दशकों से नक्सलियों के गढ़ रहे लाल इलाके के रूप में चर्चित और सीएम नीतीश कुमार के चहेता माने जाने वाले सिकरिया गांव में आखिरकार उद्घाटन के 8 साल बाद पुलिस ओपी विधिवत अस्तित्व में आ गया है। इस बात की जानकारी देते हुए एसपी दीपक रंजन ने कहा कि सिकरिया ओपी में 24 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें कड़ौना ओपी के 20 गांव और कल्पा के 4 गांव शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए ओपी को पूर्ण थाने में तब्दील करने को लेकर भी प्रस्ताव मुख्यालय के पास भेज दिया गया है। सिकरिया ओपी है, ओपी का नोटिफिकेशन हुआ है और उसको थाने में उत्क्रमित करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है मुख्यालय को। वो भी अभी प्रोसेस में है और जल्दी हो जाएगा। वो पत्राचार उस संबंध में अभी हम लोगों का चल रहा है। अभी उस ओपी का संचालन प्रारंभ किया गया है, वहाँ पे सचिव की पोस्टिंग और पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई है और वहाँ पे जो भी आवश्यक संसाधन है उनको उपलब्ध कराने के लिए संबंधित शाखा प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। यह ओपी मूलतः कड़ौना ओपी से काट के ही बना है, इसका सृजन हुआ है और इसमें चूँकि वर्तमान में कड़ौना ओपी में 53 गाँव आते हैं तो उसमें से 24 गाँव, इसमें से 20 गाँव कड़ौना ओपी के हैं और 4 गाँव वर्तमान में कल्पा ओपी के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल 24 गाँव हैं जो सिकरिया ओपी के अंतर्गत पड़ेंगे और पत्रिक थाना इसका अभी नगर थाना है जब तक ये ओपी के रूप में कार्य करता है, अर्थात FIR जो है वो टाउन थाने में ही दर्ज होगा। और अभी चूँकि कड़ौना ओपी सदर अंचल के द्वारा देखा जाता है तो इसका पुनरीक्षण जो भी होगा वो CI सदर के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिए गए हैं और ये इस ज़िले का 19वां ओपी होगा और सब थाना ओपी मिला के टोटल 19 हो गए और ये सिकरिया ओपी के संचालन से हमें विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, वो चूँकि पिकेट के रूप में कार्यरत है तो जो हमको फोर्स हमने उपलब्ध कराया गया है उसमें वो फोर्स है प्लस पदाधिकारी है और जो भी संसाधन है वाहन है वो सभी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सिकरिया में ओपी खुलने से स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी है। ग्रामीणों ने कहा कि सिकरिया में ओपी नहीं रहने से हम लोगों को 5 किलोमीटर दूर कड़ौना ओपी जाना पड़ता था, अब नए थाने के खुलने से हम लोगों को काफी सहूलियत होगी। बहुत सहूलियत होगी। वो घर या गुरबादी क्षेत्र था हम लोग के, बहुत पुराना बहुत मार्ग काट होता था यहाँ पे, अब यहाँ थाना बनने से बहुत आम लोग के भी यहाँ सुविधा होगा सब लोग का। पहले कहाँ जाते थे? कड़ौना ओपी में जाते थे हम लोग। अच्छा, कितना दूर है यहाँ? यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, तो अब यहाँ पे थाना बन रहा है तो ऐसे में क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? जी, पूरा पब्लिक को फ़ायदा होगा, इलाका को पूरा फायदा होगा कि जो धांधली होता था, मारपीट होता था, माओवादी और संगठन सभी संग। अच्छा, कब बन के तैयार हुआ था ये? ये तो 2014 में जीतनराम मांझी जी ने उद्घाटन किए थे। और उसके बाद से? उसके बाद से नहीं, जीतनराम मांझी जी उद्घाटन किए थे, अब यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो गया है तो बहुत अच्छा होगा इलाके के लिए। अच्छा, आप लोग काफ़ी खुश हैं। जी, बता दें कि 8 साल पहले जब भवन का तत्कालीन सीएम मांझी के द्वारा उद्घाटन किया गया था तब इलाके के लोगों को लगा था कि उनके गांव और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होगी, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां थाने भवन में कामकाज शुरू नहीं किया गया। वर्तमान SP ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और आखिरकार सिकरिया ओपी अस्तित्व में आ गया। पंजाब केसरी TV के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।